जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। गाजियाबाद के साहिबाबाद के कनावनी गांव के लोगों ने नाला निर्माण का कार्य बंद होने पर एक पंचायत की। पूरा मामला यह है कि कनावनी गांव में नाला निर्माण का कार्य अधूरे में बंद होने के कारण लोग जल भराव की समस्या से जूझने लगे और इसी कारण 22 अक्टूबर 2018 सोमवार को एक पंचायत की गई, जिसमें कहा गया कि अगर 10 दिन के अंदर नाला निर्माण का कार्य पुनः शुरू नहीं किया जाता है तो इंदिरापुरम स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बंद करा दिया जाएगा, ऐसा गांव के लोगों ने ऐलान किया। इस संबंध में जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल कनावनी गांव के जल निकासी के लिए गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने करीब 3 माह पहले नाले का निर्माण शुरू किया था। निर्माण शुरू होने के 15 दिन बाद ही सिंचाई विभाग ने नाले का काम बंद करा दिया गया। निर्माण शुरू होने के 15 दिन बाद ही सिंचाई विभाग ने नाले का कार्य बंद करा दिया। इससे कनावनी गांव की सड़कों पर जल भराव हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से भी की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर गांव के लोगों ने 22 अक्टूबर 2018 सोमवार को पंचायत की, जिसका ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा गया। अगर किसी भी प्रकार का इसमें चुनाव चिन्ह या एडिटिंग जो भी इसमें चेंजेस करने हैं, है ना, वो हमें अपनी लाइन धर सकते हो। इसमें कोई इसमें जबरदस्ती वाली बात नहीं कि इसकी नहीं मानी जाएगी, इसकी नहीं मानी जाएगी। ये सभी गांव वाले इनका कॉम है। मैं एक बार पढ़ के दिखा रहा हूँ, हमने अपनी सूझबूझ से एक ज्ञापन लिखा है। अगर कोई आदमी नहीं हमारी चीज से मतलब एक्टिव नहीं है, सहमत नहीं है उस चीज से, तो हम इसे कर देंगे, चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर हमारे नाले का काम अगले 10 दिन के अंदर कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो हमारे गांव के पंचायत में यह फैसला लिया गया है कि आज दिनांक 22/10/2018 को यह निर्णय लिया गया है कि हम 12 नवंबर 2018 को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर देंगे, जो कि हमारे गांव जमीन पर बना हुआ है और हम गांव वालों को इसका मुआवजा भी नहीं मिला है। ठीक है जी, ये तो होगा जी पहला ज्ञापन। ये है जी दूसरा ज्ञापन है जी हमारा। अगर हमारी तब भी हमारा कार्य नहीं होता
है तो सभी गांव वालों ने पंचायत में यह निर्णय लिया है कि हम किसी भी दल के नेता और गांव को घुसने नहीं दिया जाएगा तथा चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, क्योंकि जीतने के बाद गांव की समस्याओं को कोई नहीं सुनता, सिर्फ वोटों के लिए आते हैं, काम के लिए नहीं। सरकार होते हुए भी एमपी व एमएलए कोई कार्य नहीं करता। ये हमारा दूसरा ज्ञापन है जी। इसमें जो भी अपनी सूझबूझ जो भी अपना रखना चाहता है इसे ब्लैंक पेपर पर लिखा जाएगा, तब जितने भी यहाँ हैं सभी गांव वासियों के आप बता दो।